दोस्तों दुनिया भर में लगभग सांपों की 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं और उसमें से लगभग सिर्फ 600 ही जहरीली हैं। लेकिन एक नॉन वेनमस एशिया में पाई जाने वाली सांप की प्रजाति टाइगर किलबैक अपने आहार के कारण जहरीली हो जाती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सांप आखिर खाता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि वो जहरीले टोड की कुछ प्रजातियों को खाते हैं। ये सांप टोड से प्राप्त टॉक्सिन को अपनी गर्दन की ग्रंथियों में जमा कर लेते हैं और खतरे का सामना होने पर सांप अपनी गर्दन की ग्रंथियों से टॉक्सिन्स को छोड़ते हैं। वैसे इस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म आमतौर पर कीड़ों और मेंढकों सहित फूड चेन में पाए जाने वाले निचले जानवरों में देखा जाता है, लेकिन शायद ही कभी किसी सांप में देखा जाता है। गर्भवती टाइगर किलबैक भी अपने बच्चों में टॉक्सिन्स को पास कर सकती है और ये पास किया हुआ टॉक्सिन्स युवा सांपों को शिकारियों से बचाते हैं और ये तब तक रहते हैं जब तक ये युवा सांप अपने आप शिकार करने में सक्षम नहीं हो जाते।